हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज की रेसिपी है ब्रेड रोल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें हम आलू की स्टफिंग डालकर बनाते हैं, जो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची होता है। तो चलिए ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है बॉयल किया हुआ आलू। मैंने 7 से 8 आलू को बॉयल कर लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने सौंफ और जीरा, दोनों मैंने आधे आधे चम्मच ही लिए हैं। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, ये मैंने 2 हरी मिर्च को काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, आप चाहे तो अदरक को ग्रेट भी कर सकते हैं। मुट्ठी भर हरा धनिया पत्ता, ये फ्रेश धनिया पत्ता है। और ये लिया है मैंने रोस्ट किया हुआ पीनट्स, आप इसकी जगह पे मटर भी ले सकते हैं। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले हमें स्टफिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल जब गर्म हो जाए, इसमें हम डाल देंगे सौंफ और जीरा, दोनों को हम सौते कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हींग, इसे भी सौते कर लेंगे। डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हमें कुछ सेकेंड के लिए ही सौते करना है, ताकि इसका रॉ फ्लेवर रिलीज हो जाए। अब डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला 1 चम्मच। मैंने सभी मसालों को 1-1 चम्मच ही लिया है, 1 छोटी चम्मच लिया है मैंने। और अब ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। हमें मसाले को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, फ्राई करना है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मैश किए हुए पोटैटो, यानी कि मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, और इसे मसाले में कोट कर ले, मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं मसाला में यह कोट हो गया है, मिक्स हो गया है। अब डालेंगे धनिया पत्ता, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू का स्टफिंग जो है वो तैयार हो गया है। अभी हम इसमें मूंगफली नहीं डालेंगे, मूंगफली को हम बाद में डालेंगे। तो इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है, ये मैंने लिया है स्लाइस ब्रेड, मैंने 6 ब्रेड लिया है। अब इसे किनारों को काट देंगे चाकू की हेल्प से, इस तरीके से काट लें। सभी ब्रेड को इसी तरह काट लें। और इसका जो किनारे वाला पार्ट, यानी कि ब्राउन पार्ट है, उसे आप फेंके नहीं। तो ये मैंने सभी ब्रेड को काट लिया है। आप इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, तो इसे आप फेंके नहीं, इसका ब्रेड क्रम बना लें। तो ये आलू की स्टफिंग हम डाल देंगे रोस्ट किया हुआ पीनट्स, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो चलिए इसका हम गोल गोल पिट्ठिया बना लेते हैं। इस तरह से प्रेस करते हुए इसका पिट्ठिया बना लें। तो ये ब्रेड में डालने के लिए हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो अब हम ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने लिया है पानी, और ब्रेड को दोनों साइड पानी में भिगो दे और इसे अच्छे से स्क्विच कर ले, यानी कि पानी को अच्छे से निचोड़ ले दबा दबा के। ध्यान रहे इसे टूटना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे हमें भिगोना नहीं है। अब स्टफिंग को डायगोनली डालें इस तरह से, और इसे किनारों को सील कर दें इस तरह से लगाते हुए। अब इसे दोनों हाथ की हेल्प से रोल कर लें। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, तो आप चाहे राउंड शेप में बना दें या फिर सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये हमारा ब्रेड रोल तैयार हो गया है। सेम इसी तरह हम दूसरा ब्रेड रोल भी बना लेंगे,
ध्यान रहे पानी में हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं डालना है, बस डाले और निकाल ले और पानी को अच्छे से निचोड़ दे बिल्कुल सावधानी से, और इस स्टफिंग को डायगोनली ही डाले और इसके कोनों को अच्छे से सील कर दे और दोनों हाथ की मदद से रोल बना ले इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा रोल भी तैयार हो गया है। इसी तरह हम सभी रोल को बना लेंगे। तो हमारा रोल तैयार हो गया है फ्राई होने के लिए। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें डीप फ्राई ही करना है। तो कढ़ाई में सफिशेंट ऑयल या घी डालें। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने दें, इसे मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करें और एक एक करके सभी रोल को डाल दें। इसे पलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लें। इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं ब्रेड रोल हमारा फ्राई हो गया है। चलिए तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम सर्व कर देंगे चटनी के साथ। आप हरी चटनी और लाल चटनी दोनों के साथ सर्व करें। बहुत ही बढ़िया ब्रेड रोल बना है। ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।